आर्य समाज मंदिर मॉडल हाउस में 21वां वार्षिक महोत्सव प्रधान ओम गंगोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, रिटायर्ड आईटीओ अशोक मल्होत्रा, विधायक सुशील रिंकू, सीनियर डिप्टी मेयर सुरेंद्र कौर, डिप्टी मेयर हरसिमरनजीत सिंह बंटी, सीनियर भाजपा नेता मोहिंदर भगत, पंजाब खादी बोर्ड के डायरेक्टर सरदार मेजर सिंह, आर्य समाज मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान एवं डीएवी शिक्षण संस्थाओं के मैनेजिंग कमेटी के सचिव अरविंद घई, रश्मि घई, जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी प्रधान बलराज ठाकुर, युवा भाजपा नेता रॉबिन सांपला, पार्षद रोहन सहगल, प्रधान एसोसिएशन ऑफ सोशल एडवोकेट हरमिंदर सिंह संधू, एडवोकेट कमलजीत तनेजा, आर्य समाज मंदिर भगत सिंह कॉलोनी के प्रधान रंजीत आर्य, महामंत्री हर्ष लखनपाल, अश्विनी डोगरा, राजकुमार राजू, शिव दयाल माली, दर्शनलाल भगत, पार्षद गीता रानी, पार्षद तरसेम लखोत्रा, पार्षद वीरेश मिंटू, पार्षद कमलेश ग्रोवर, पार्षद बचनलाल, पार्षद चंद्रशेखर सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर वैदिक प्रवक्ता सुंदरलाल शास्त्री, भजन उपदेशक सुरेंद्र आर्य, रश्मि घई ने अपने भजनों से आए हुए सभी महानुभावों का मन मोह लिया। समारोह में मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया और आज के आधुनिक भारत का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि 100 काम छोड़कर शरीर की शुद्धि हेतु स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए और 1,00,00,000 काम छोड़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कार्यक्रम से पहले करवाए गए हवन यज्ञ के दौरान बनाए गए 11 कुंडों पर यज्ञ की पूर्ण आहुति आए हुए यजमानों की तरफ से डाली गई। इस मौके पर एडवोकेट निष्पक्ष सरीन, शेफाली सरीन, अशोक कुमार, धीरज कुमार, प्रदीप कुमार, धर्मवीर, राकेश कुमार, गीता देवी, जगदीश कुमार, सुनीता देवी, मक्खन, विनय, वेद प्रकाश, मीना सेठी, रिदम, नीरज, विकास शर्मा, राजीव रत्न, राकेश तनेजा, वरुण मल्होत्रा, एडवोकेट दिनेश जस्सी सहित असंख्य लोग मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। उन्होंने मुझे प्रभु का आशीर्वाद करवाया, बुलाकर मैं सभी मंदिर कमेटी के सदस्यों का और सारे इलाका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज यहाँ आके इतना आनंद आ रहा था भजन सबके गुरुदेव का दर्शन करके, और मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक तो आप लोगों का आभारी भी हूँ और मेरे लायक कोई भी किसी किस्म की मेरी कोई ड्यूटी लगाए तो हमेशा मैं प्रभु के चरणों में। जी सर, आर्य समाज के 11 हम कुलिए आए, 21वां जिहड़ा वार्षिक महोत्सव है आर्य समाज मंदिर मॉडल हाउस के मनाया जा रहा, और स्वामी दयानंद जी उन्हां दियां जिहड़ियां शिक्षावां उन्हां नूं याद किया जा रहा, और स्वामी दयानंद जी महाराज जिन्हां ने अपने समय के समाजिक ऊंच नीच का जिहड़ा उस वेले का भेदभाव सी उन्हों मिटाण दे विच अपना एक बहुत अहम जिहा रोल है जिहड़ा अदा कीता, और अज सारी जगत सारी दुनिया उन्हां नूं जिहड़ा नमन करती है। तो मैं बहुत धन्यवादी हाँ ओम प्रकाश जी का, हरमिंदर संधू जी का और इन्हां दी समुची टीम का जिन्हां ने अज दा यह प्रोग्राम है जिहड़ा बहुत वधिया तरीके दे नाल मना के अज जिहड़े स्वामी दयानंद जी महाराज और आर्य समाज दीआं जिहड़ियां सिद्धांत है उन्हां नूं जन जन दे नाल जिहड़ा जागरूक करवाउण दा जिहड़ा अज गेड़ा चुक्या,
बधाई के पात्र ने और मैं आस करदा कि आने वाले समय इस तरह जिहड़ियां साडियां बेसिक जिहड़ियां शिक्षावां भारत वर्ष दियां जिहड़ी साडी जिहड़ा सरमाया साडा जिहड़ा इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अगे जिहड़े आ लोगों तक लै के हर साल की तरह इस साल भी जो 21वां वार्षिक आर्या समाज मॉडल हाउस का जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है सो सारी प्रबंधक कमेटी और खास कर साडे बहुत ही सत्कारयोग पूजनीय और स्वर्गीय जयदेव मल्होत्रा जी जिन्होंने इस आर्या समाज का मैं कह सकना कि फाउंडेशन और फाउंडर मैंबर कह लो फाउंडर प्रधान कह लो जिन्होंने सारी शुरुआत की अज उन्होंने बच्चे ओम एडवोकेट मल्होत्रा जी उनके नाल एडवोकेट संधु साहब और मेरे नाल नरेश मिंटू जी जनकराज जी पूरन जी सोनी जी शर्मा जी और सारा जो परिवार है मैं देखना कि बड़े उत्साह नाल हर साल महोत्सव मनाते हैं क्योंकि यह एक समाज में अच्छी सेध देने वास्ते एक प्रयास है जिमें जिमें असी खास करके जो आर्या समाज के 10 नियम हैं अगर उन्होंने पर असी अपने जीवन में बतीत करिए तो एक असी अच्छे नागरिक बन के इस देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं तो सानू हमेशा जो आर्या समाज ने 10 नियम दिते हैं उन्होंने पर चलना चाहिए है और सारी जिंदगी का निचोड़ है अगर किसी इंसान की परख करनी हो कि सब तो बेस्ट किड़ा सिटीजन है नागरिक है तो जरा आदमी 10 नियमों पर चलता है अपना जीवन बतीत करता है सब तो बेहतर इंसान है। सो मैं एक बार फिर गोत्रा परिवार को जेडे कि गोत्रा परिवार हमेशा हर साल संधु साहब का खास करके जहाँ एक परिवार के भी मैंबर हैं हमेशा नाल लग के ये महाउत्सव मनाते हैं। सो मैं सारे साथियों सारी टीम को मुबारकबाद दिना खास कर जो शास्त्री जी आए जिन्होंने सारे पहला सानू प्रवचन सुनाए और त्रेजा जी सारी प्रबंधक कमेटी और मैं सारे आए हुए साथियों अज के शुभ दिहाड़े पर मुबारकबाद दिना।